हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल कोटा के ऊपर ही होगी, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में यार मैं बहुत डिमोटिवेटेड हूँ, क्योंकि हम लोग सुबह से यही चीज़ के इंतज़ार में थे कि मंत्री जाके कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो ऐसा बोलेंगे कि भाई ये खुल रहा होगा, वो खुल रहा होगा हमारे लिए। मंत्री जी ने काफ़ी सारी चीज़ें बोली जो कि राजस्थान की डेवलपमेंट के लिए अच्छी थी, वहाँ के एजुकेशन के लिए भी ठीक है, भाई काफ़ी सारे अच्छे डिसीजन थे। वो थोड़ा सा लेट भी आए 9 बजे बोल के, 9:15-20 पे उनकी लाइव सेशन चालू होता है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भाई कोचिंग और स्कूल को लेकर आपका क्या है, तो उन्होंने बस इग्नोर सा ही कर दिया यार, कुछ भी उसके ऊपर सही से बोला ही नहीं। बस ये बोल दिया कि वैक्सीनेशन होगा, ये होगा, वो होगा, और देर हो गई है, रात हो गई है, चलिए ख़त्म करते हैं। यार मेरे को मतलब नहीं कुछ समझ आ रहा कि यार अब मतलब ये क्या ही तरीका है यार। आप लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाई हम लोग सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, और एंड में आके आप इग्नोर करके चले जाते हैं यार बच्चों को। मतलब बच्चे यार सुबह से उनका पूरा दिन खराब हो गया इस चक्कर में। यार मैं खुद फील कर पा रहा हूँ, मेरे साथ 1,000 बच्चे जुड़े हुए हैं यार। आप लोग अकेला देख रहे होंगे, आपके लिए आप अकेले हो। सोचो मेरे साथ जो 1,000 बच्चे हैं, मेरे पीछे मुझे 1,000 बच्चों की टेंशन लगती है कि यार ये बच्चे किस तरीके से बेचारे सोच रहे होंगे, क्या इन पे अभी बीत रही होगी, मतलब यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन चलो जो भी है, मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ और अब भी कहूँगा, देखो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, ये जेई मेन्स और नीट, ये आपकी ऐसा ऐसा सिखा देगा कि आप लाइफ में कभी नहीं हारेंगे। बस अब ये जो वॉर है ना, इसे आपको खेलना है। वॉर इन द सेंस क्या कि ट्वीट कराऊँ, वो सब कराऊँ, नहीं वो सब बिल्कुल मत करो मेरे भाई। अब पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन नहीं हो रही ना मेरे भाई, तब भी ऑनलाइन करनी है और करके दिखाना है। देखो जितनी भी सिचुएशन खराब हो जाए ना, अगर हम टूट के बिखर जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उस प्रेशर को झेल जाएंगे तो डायमंड बन के निकलते हैं, ठीक है। तो जो भी हो रहा है यार होने दो, अब आपको क्या करना है। देखो राजस्थान की न्यूज़, कोटा की न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो आएंगी, ठीक है। कुछ अगर अच्छी न्यूज़ आती है तो उसके ऊपर वीडियो जरूर आ रही होंगी मेरी। लेकिन मेरे भाई इसके साथ साथ अब हम वीडियो डालेंगे उन चीज़ों के ऊपर कि आपको पढ़ना कैसे है, कहाँ आपको पढ़ाई में दिक्कत आएगी, और इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। इसके साथ साथ जो आप अभी फील कर रहे हैं, थोड़ा बोर हो रहे हैं, उसके लिए मैं व्लॉग वगैरह ट्राई करूँगा कि आप लोग थोड़ा रिफ्रेश हो जाएं, ठीक है। आपके साथ मैं पूरा दम लगाऊंगा यार, ठीक है। आपकी तैयारी मैं अपनी तैयारी मान के चलूंगा, लेकिन आप लोग डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना मेरे भाई। जो भी हमारे साथ होगा हम देखेंगे और टैकल करेंगे। एक वॉरियर की तरह सोचो कि यार कितना भी दिक्कत हो जाए लेकिन एंड ऑफ द डे जीत हमारी होगी। देखो आपने जो भी इंस्टीट्यूट सोचा है ना, सोचो उस इंस्टीट्यूट से पैकेज कितना है, और उस पैकेज को पाने की जर्नी इतनी आसान तो हो नहीं सकती। और ये जर्नी जितनी ज़्यादा हार्ड होती चली जाएगी, याद रखना लाइफ में आने वाली जितनी मुसीबतें फिर आपको वो आसान लगती चली जाएंगी, ठीक है मेरे भाई। अगर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही तो भी ट्राई करो, 100% अपने देने की कोशिश करो, और उम्मीद करो कि कोचिंग आप ही खुल जाए। और जब तक के लिए आप लोग ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ने की आदत बनाए रखो और ऑनलाइन पढ़ते रहो। बस मैं इतना ही कहूँगा, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।